ए गाइस, डिस्कस करेंगे आज जो वेजिटेबल्स में डिसऑर्डर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे किस एलिमेंट की वजह से, किस एलिमेंट यानी कि तत्व की कमी से कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं किसी सब्जी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेंशन कहाँ पर है। देखिए, नीचे वाली सीरीज तो हमारी क्लास 9th की, और जो क्लास 10th की है वो तो चल ही रही है, तो वो तो जेन्युइन सोर्स एनसीईआरटी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर लिया है, डिकोड कर लिया है, तो उस बेसिस पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाली जो सीरीज रहेगी ये मिनी सीरीज टाइप रहेगी, जिसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि जो डिजीजेज होती हैं उससे प्रोटेक्शन कैसे होगा, जो पेस्ट हैं और जो डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे होगा। बाकी इसमें देखो, फर्टिलाइजर, मैन्यूर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी को सब टॉपिक वाइज हम हर टॉपिक के बेसिस पर करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि जो वेजिटेबल्स में डिसऑर्डर होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो सबसे पहला, शलजम में वाटर कोर किस वजह से होता है। मैगनीज, अगर मैगनीज की कमी हो जाएगी तो उस वजह से शलजम में वाटर कोर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फूलगोभी में विप टेल। देखिए, जो टर्म दिए गए हैं वही उन्हीं टर्म के बेसिस पर आपको याद रखने हैं। बहुत सारे लोग लॉजिक ढूंढने में लग जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना। बाकी जो वन लाइनर है उस बेसिस पर ही क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। जो मॉलिब्डेनम है उसकी कमी से जो होगा फूलगोभी में विप टेल की जो डिसऑर्डर है वो आ जाएगा। ठीक है, फूलगोभी में बटनिंग किस वजह से होगी, नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से, नाइट्रोजन। तो ये एक एक बेसिस पर, एक एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो कर लेना। ठीक है, फूलगोभी में ब्राउनिंग किस वजह से होती है, बोरोन। बहुत सारे आप जो वन लाइनर के फैक्ट हैं उसको डायरेक्ट ट्रिक के बेसिस पर भी कर सकते हैं, जैसे ब्राउनिंग है तो बोरोन, ठीक है, बी ओ के बेसिस पर ऐसे याद कर लो। देखो, हर किसी की ट्रिक एक अलग हो सकती है, क्योंकि देखो ट्रिक से फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो चार ऑप्शन उसके होते हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबल है कि आप वो जो क्वेश्चन है उनके आंसर टिक करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन और ऑप्शन और सामने आते हैं तो और ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन बढ़ता है, फिर हम ये सोचते हैं ये या ये। बट अगर आपके पास ट्रिक है, कोई अपनी ही ट्रिक, का मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने पढ़ाई है तो वही ट्रिक, अपनी अपने बेसिस पर जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हो उस बेसिस पर ट्रिक बना लो। जैसे ब्राउनिंग को, तो आप सोचोगे ब्राउनिंग है, ब्राउनिंग किस वजह से होता है फूलगोभी में, तो आप कहोगे बी ओ है तो बोरोन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपनी अपनी मर्जी से बना सकते हो। चुकंदर में हार्ट रोट किस वजह से होता है, बोरोन की कमी से। मटर में मार्श रोग किस वजह से होता है, मैग्नीज की वजह से। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग किस वजह से होता है, मैग्नीज से। ठीक है, तो ऐसे ही छोटी छोटी या 2-3 मिनट की वीडियो होगी वही हम बनाएंगे, और क्योंकि उसके आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है गाजर में कोटार स्पॉट, यानी कि कैविटी स्पॉट हो जाता है, कभी कभी छेद हो जाते हैं गाजर में, तो वो किस वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से। ठीक है, कैविटी कैविटी है तो CACA, इस बेसिस पर याद कर लो। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आलू का ब्लैक हार्ट रोग, ठीक है, किस वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, तो ये थे कुछ जो डिसऑर्डर पूछे जा सकते हैं मे बी वन लाइनर के क्वेश्चन में। तो यही इसके लिए मिनी सीरीज थी, तो 2-2 मिनट की ये सीरीज होगी, तो आगे हम करेंगे इसी टॉपिक बेसिस पर। ठीक है, जो जो लोग नए हैं इस चैनल पर उस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।